हाय हाय। नानी हौसला कर यार, क्या हो गया यार? नहीं, आज नहीं बचूंगा मैं। मानी हौसला कर यार, डॉक्टर साहब आते ही होंगे, कुछ नहीं होता। लो डॉक्टर साहब आ गए। हाय गरीब। मिलाद गरीब। आप प्लीज खुल के कहें क्या कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब, मिलाद पे लोग इतना पैसा खर्च करते हैं, अगर ये पैसा किसी गरीब को दे दे तो क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं? ओ आई सी। डॉक्टर साहब क्या हुआ है मानी को? देखें, घबराने की कोई बात नहीं, ये मसला काफी कॉमन है। इन्हें गरीब का दर्द महसूस हो रहा। गरीब का दर्द? जी, गरीब का दर्द। हर साल रबीउल अव्वल में कुछ लोगों को गरीब का दर्द निकल आता है और वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि मिलाद पर जो पैसे लग रहे हैं वो अगर किसी गरीब को दे दिए जाएं तो ज्यादा बेहतर है। तो आप मुझे ये बताइए कि आखिरी दफा इन्हें गरीब का दर्द कब महसूस हुआ? हुंजा का ट्रिप? नहीं। 14 अगस्त की झंडियां? नहीं। शबरात के पटाखे? नहीं। सिनेमा के टिकट्स? नहीं। ट्रैफिक सिग्नल? हाँ, अगर 1 रुपए का सिक्का पड़ा हो तो दे देता है। डॉक्टर साहब, इसका इलाज कैसे होगा? देखें, इन्हें गरीब का दर्द महसूस हो रहा है तो जब तक इनकी जेब से गरीब के लिए पैसे नहीं निकलेंगे ये दर्द ठीक नहीं होगा। आप ऐसा करें कि चेक कीजिए इनके वॉलेट में कितने पैसे हैं। डॉक्टर साहब, 1000 रुपए हैं। आप फौरी तौर पर ये नोट किसी गरीब को देकर आए, इनका दर्द ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मुझे लग रहा है मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। आप देखें मानी, मिलाद पर जो लोग लाइट्स लगाते हैं क्या वो दिहाड़ीदार गरीब नहीं होते? जो लोग देगे पकाते हैं क्या वो गरीब नहीं होते? जो लोग कुर्सियां लगाते हैं, स्टेज लगाते हैं, कनाते लगाते हैं, साउंड सिस्टम लगाते हैं क्या वो लोग गरीब नहीं होते? रबीउल अव्वल वो मुबारक महीना है जिस महीने में अमीर की जेब से पैसा निकलकर गरीब की जेब में जाता है, तो आपको इस पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। ले जी, मेरा काम खत्म हुआ, मैं चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपकी फीस? अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, बल्कि वो भी आप इन्हीं को दे दें। ओके जी। आ गई अकल तुझे? ऐसा एक बात है, तेरे माँ बाप ने तेरी तालीम और सेहत के लिए कितने पैसे लगाए हैं? यही पैसे अगर तुझे पैदा करने के बजाय किसी गरीब को दे दिए होते तो ज्यादा बेहतर ना होता?